शांति। मस्तक पर चमकता हुआ मैं चैतन्य तारा हूं, दिव्य प्रकाशवान आत्मा हूं, अनुभव करे मैं चैतन्य दिव्य प्रकाशवान आत्मा, प्रकाश के शरीर में हूं, मैं आत्मा अपना लाइट रूपी शरीर धारण कर अब इस स्थूल देह से बाहर निकल रहा हूं। अपने तेजस्वी फरिश्ता स्वरूप में तीव्र गति से उड़ते हुए मैं पहुंच जाता हूं इस आवाज की दुनिया से पार, अव्यक्त वतन में, यहां चारों ओर सफेद लाइट ही लाइट है, यह फरिश्तों की दुनिया है, यहां देह का कोई रिश्ता नहीं, मैं यहां अपने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के समीप हूं, अब बस एक बाबा से ही रिश्ता, मैं और बाबा और कोई नहीं, यह कितना निराला अनुभव है। बाबा की निहाल करने वाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है, मैं सुन रहा हूं बाप दादा की अव्यक्त आवाज,
बच्चे, तुम एक महान आत्मा हो। स्वयं विश्व रचयिता बाप ने तुम्हें विश्व नव निर्माण के महान कार्य के लिए निमित्त बनाया है। बाप समान भव। बाप दादा से वरदान मिलते ही मुझे बाप समान स्थिति का अनुभव हो रहा है। मैं बाप समान फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बैठकर सारे विश्व को सकाश दे रहा हूं। बाप दादा से निकलती पवित्रता, सुख, शांति और शक्ति की किरणें मुझ फरिश्ते से होकर पूरे विश्व ग्लोब पर बिखेर रही है। विश्व की सर्व आत्माएं पवित्रता, सुख, शांति और शक्ति से भरपूर हो रही है। कुछ समय के लिए ऐसे ही सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ बैठकर सारे विश्व को सकाश देते रहे।
शांति।